आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र का उत्सव धूमधाम से चल रहा है। शिव की नगरी में हर जगह माता विराजी हुई हैं, माता के पंडाल हर जगह लगे हुए हैं और माता की सुंदर मोहक मनमोहक आकर्षक प्रतिमाएं भक्तों के लिए सजी दिखाई दे रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अभी जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, नज़ारा बाहुबली चौराहे का है। बाहुबली चौराहे पर माता की प्रतिमा आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर विराजी हैं। यहाँ भजन कीर्तन चल रहे हैं और भजन महिलाओं के द्वारा भजन की गाए जा रहे हैं। आइए हम आपको भजन सुनवाते हैं। बाहुबली चौराहे पर प्रतिमा के पास चल रहे हैं भजन। बाहुबली चौराहे पर स्थित माता की प्रतिमा और साज सज्जा आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर प्रकाश व्यवस्था यहाँ पर बाहुबली चौराहे से स्टेट बैंक वाले मार्ग पर की गई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बाहुबली चौराहा वैसे अब पहले काफ़ी पहले तक बुधवारी बाजार मुख्य बाजार हुआ करता था और बाहुबली चौराहे तरफ शायद ही कोई आता हो। बाहुबली चौराहे पर इक्का दुक्का ही दुकानें हुआ करती थी, पर अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है और बसाहट
शहर में दूर दूर तक होने लगी तो बाहुबली चौराहा भी एक मुख्य बाजार के रूप में उभर कर सामने आता हुआ दिख रहा है। और बाहुबली चौराहे पर माता विराजी हैं और माता का ये सुंदर यहाँ पर साज सज्जा प्रकाश व्यवस्था आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। आवागमन की सुविधा के लिए रास्ता छोड़ा गया है, किसी को परेशानी ना हो इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज आवाज में माता के भजन भी नहीं बज रहे हैं। सभी का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। देखिए आवागमन सुचारू यहाँ से चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। माता का सुंदर पंडाल और पंडाल के बाहर शाम ढलते ही कुछ अपने तरह से इनके द्वारा यहाँ पर साज सज्जा की जा रही। माता का पंडाल और पंडाल जहाँ से आप देखेंगे वहाँ से माता आपको सीधे माता के दर्शन नहीं हो पाएंगे, आपको अंदर जाकर माता के दर्शन करना होगा। कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर पंडाल सजाया गया है, बाहुबली चौराहा का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा माता की और आसपास की साज सज्जा भी आप देख सकते हैं, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर साज सज्जा की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आसपास देख सकते हैं नए तरीके से नवाचार करते हुए साज सज्जा यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई यहाँ पर दे रही होगी। माता की बहुत सुंदर प्रतिमा आपके समक्ष आपको दिखाई दे रही होगी। धीरे धीरे माता के पंडालों में भीड़ बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। भक्तों की भीड़ अब माता के पंडालों में जाती हुई दिखाई दे रही है। शहर में चहल पहल भी आपको दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हमने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए एक धार्मिक चैनल का भी एक शुभारंभ किया है। उस धार्मिक चैनल पर आप धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का धर्म प्रभाग के द्वारा इसे आरंभ कराया गया है। अब हम आपको इसके बाद लिए चलते हैं बरघाट रोड का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। बरघाट रोड पर यहाँ पर माता विराजी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। माँ शारदा और मैहर वाली माँ शारदा और 51 शक्ति पीठ यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। बाहर से पंडाल देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं प्रतीत हो रहा, पर जैसे ही आप इस पंडाल के अंदर घुसते हैं तो आपको इस पंडाल की भव्यता और इसकी विशाल पंडाल आपको दिखाई देता है। ये देखिए अब आप अंदर जैसे जैसे पहुंच रहे हैं तो माता के 51 शक्ति पीठों का यहाँ पर वर्णन आपको मिलता है। 51 शक्ति पीठों की छोटी छोटी प्रतिमाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर आप देखना चाहें तो ये बरघाट रोड स्थित माता का ये पंडाल आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये बरघाट रोड का हम आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा रहे हैं। बरघाट रोड पर माता की प्रतिमा और 51 शक्तिपीठों के बारे में यहाँ पर जानकारी छोटी छोटी प्रतिमाओं के जरिए उपलब्ध कराई गई है। माता के जयकारे चारों ओर गूंज रहे हैं। हम आपको बता दें कि नवरात्र में पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कूष्मांडा, पाँचवें दिन स्कंद माता के स्वरूप की, छठवें दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की, सातवें दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की, आठवें दिन माता के महागौरी स्वरूप की और नौवें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। 51 शक्ति पीठ है और 51 शक्ति पीठों के को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है छोटे छोटी प्रतिमाओं के जरिए, एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट।
पंडालों में धार्मिक गीत ही बजाएं, अश्लीलता फूहड़ता प्रदर्शित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अब इसके उपरांत हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ये माता का जो अब हम आपको ये लेकर आए हैं, ये एमपीबी ऑफिस के पास का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। एमपीबी ऑफिस के पास का ये नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये छिंदवाड़ा चौराहे का आपको नज़ारा दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।